तो गाइस अचानक चांद रात, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि जिस जिस के टेलर ने अभी तक कपड़े स्टिच करके नहीं दिए वो जल्दी से कर दे, मेरे भी फंसे हुए हैं। दुआ करें अल्लाह। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लाइकिंग माय वीडियोस। और यार थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके मैसेजेस से पता लग जाता है। और आप कहते हैं कि यार हम कमेंट्स नहीं करेंगे क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करते, तो यार इंशाल्लाह मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर किया करूँगा। और यार इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 4, और सीन कुछ इस तरह से है कि कल हमारे मौलवियों ने अचानक से चांद रात कर दिया है, और यानी कि अचानक से सुबह ईद है, और मेरा ड्रेस मुझे मिलना था टेलर से कल, जो कि अब मैंने बड़ी तरले मिलते करके उसे कहा मुझे आज दो, और उसने कहा कि भाईजान ठीक है सुबह 5 बजे लेने आना। तो अब 4 बजे मैं सारी रात से वेट कर रहा हूँ कि यार कब टाइम, कब सूट रेडी होगा और मैं जाके लेकर आऊँगा। तो अब उसका मैसेज आ गया कि यार ठीक है आ जाओ और ले लो। तो अभी पढ़ते हैं नमाज, नमाज के बाद चलते हैं ड्रेस लेने, और वहाँ से आते हैं वापस आके फिर रेडी होते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और आपको बताता चलूँगी ये ईद का व्लॉग है, ठीक है? तो इस ईद की खुशियों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यार सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़लस्तीन में जो इस टाइम जो है वो इसराइल जो कर रहा है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और दुआ करें उनके लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं ड्रेस कैसा स्टिच हुआ। फाइनली ड्रेस मिल गया। तो यार शुक्र है अल्लाह का कि ड्रेस मिल गया। ये देखें पीछे पड़ा हुआ, बाकी पहन के दिखाऊंगा। और मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है तो चलें साथ में नाश्ता भी कर लेते हैं, बाद में तो टाइम मिलना नहीं, नमाज पढ़ने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है बहुत काम है, सोना है भरपूर तरीके से, तो क्यों ना नाश्ता किया जाए। तो अभी मैं नाश्ता करने लगा हूँ, और नाश्ते में खाने लगा हूँ चने। ये आप लोगों ने नाश्ता क्या किया ईद पे जल्दी से बताना है सबने, ठीक है कमेंट्स में। तो चले नाश्ता करके आता हूँ मैं, फिर आगे चलते हैं, फिर क्योंकि अभी नमाज भी पढ़नी है, रेडी भी होना है, तो पहले नाश्ता कर लें। मैं हो चुका हूँ फाइनली रेडी, और अब जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। और आपको पता है नमाज पढ़ने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, तो मीठा लाजमी है, तो ये मीठा है मेरा। वैसे तो मुझे ये इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन ये शीर खुरमा है, शीर खुरमा नहीं खाता, कुछ और चीज़ खाता हूँ, लेकिन आज शीर खुरमा ही है क्योंकि अचानक ईद पे अचानक शीर खुरमा। चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। टाटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए और हमें खुशियां अता फरमाए, और इस ईद पे हमने फलस्तीन के मुसलमानों को बिल्कुल नहीं भूलना, अल्लाह ताला उन पे अपना रहम फरमाए और इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। फाइनली ईद की नमाज भी पढ़ ली, पपियाँ जपियाँ भी हो गई, ठीक है। तो जो मेन काम है ईद का वो अब करने लगे हैं, और वो आप सबको पता है क्या है, वो ये है कि नमाज पढ़ के आके सो जाना, और फिर शाम को 5 बजे उठना, और फिर कहना यार ईद बहुत बोर गुजरी है। तो ठीक है मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, देखते हैं कि कोई उसके बाद प्लान बनता नहीं बनता, लेकिन जिस तरह का मौसम चल रहा है मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लान बनेगा, ये चेक करें। इतनी बारिश हुए, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अल्लाह से करम करे हम पे, और बारिश ख़त्म होती है तो फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और तब तक के लिए अब चलते हैं, सोते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सारी रात का नहीं सोया आपको भी पता है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टाटा। सो के उठ गए हैं और रेस्ट हो गया है, और अब घर पे आ चुके हैं बच्चे, और जब बच्चे आ जाएं तभी पता लगता है कि यार ईद है, वरना तो घर में कोई था ही नहीं, सारे अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। तो जो है अब ईद देने लगे हैं, तो बच्चों आ जाओ ईद ही ले लो, बच्चों को वो लाओ जी। बच्चों ने अभी तक जो है वो पूरी तरह से कपड़े नहीं पहने, तो जी जब वो शलवार कमीज पहनेगा तो ही ईद मिलेगी उसे, ठीक है। अरबा आ जाओ ईद ही ले लो, अरबा इधर आओ, मामू बुला रहे हैं ईद ही लेने के लिए। यार देखो इतनी ईद ही अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हमें मिली जितनी मैंने इस दफा सबको दे दी है। ये लो भाई अरबा, ये ओ ओहो अरबा, ये लो अरबा आपकी ईद ही, ओ देखने तो दो, ओ ला ला नोट इतने ज्यादा है, ये लो अरबा की दी, सारी सारी ले ली, थैंक यू बोलो। अब मुझे बीच में थोड़े से दो, मेरी दी
मैंने इतने ज्यादा दिए, आपने मुझे सिर्फ एक दिया, ये तो गलत बात है। अरवा दो चार पांच तो दो ना, वन बस एक मुझे one. बस एक ही दी, एक नोट, फिर दो चार पांच तो दो, नहीं yes. नहीं देनी यार, ये बच्चे तो बड़े पक्के हैं भाई। ओ दो, थैंक यू अरवा, अरवा ने मुझे ईदी दे दिया भाई। तो चलो जी, मैंने ईदी अरवा को दी, अरवा ने मुझे ईदी दे दिया, तो अब हम जरा वेट करें, हमारा दूसरा नन्ना मुन्ना काका जो है वो रेडी हो जाए, तो फिर उसे ईदी देते हैं। ये लो, ये आप वापस ले लो, ठीक है। चलो जी, ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे काके के पास जी। दूसरा बब्बू भी रेडी हो गया है, तो ये देखे जी, ये हमारा बब्बू, बब्बू वाओ, ये लो भाई ईदी, ए ईदी ईदी, ये लो भाई सारी ईदी आपकी हो गई। और ये ईदी लेके किधर जा रहे हो, मुझे भी दो। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यानी कि ईदी के बाद मुंह ही नहीं लगाना, सही है भाई। मुझे भी ईदी चाहिए भाई, मुझे मुझे ईदी दो भाई सारे। चलो सारे इधर कमेंट्स में ईदी दो मुझे, जल्दी से यार, ओ जल्दी से ईदी भेज दे मुझे, मैं अभी लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। मुझे ईदी कट, ओ ईदी आ गई, क्या लेना? अच्छा जी, चलो आ जाओ, बस बंद कर दें, हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ जी। और क्या लेना है आपने? आइसक्रीम, ओके। लो भाई, ये इस उम्र में हम टॉपो भी उठाते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं वापस रखे नू। ये देखे, ये बच्ची अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हुए। चलो जी, और क्या लेना है? आइसक्रीम लेनी है, ओके। यार ये क्या सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि जब मेरे पास इस तरह के कड़क नए नोट हों तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं इन्हें खर्च भी करूं, या इन्हें इवन फोल्ड भी करके रखूं, मेरा दिल करता है बस ये ऐसे ही रहे मेरे पास। यार थोड़ा सा अपने माँ बाप का ख्याल किया करें, इस तरह की चबल हरकतें ना किया करें, बाजूद जाएंगे मर मुड़ जाएंगे तो फिर रोते रहेंगे। तो गाइस फाइनली ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, और यार बहुत ही बोरिंग ब्लॉग था क्योंकि ईद बहुत बोरिंग थी यार। अब ईद रह ही ये गई है कि आप आओ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के सो जाओ, सो के उठो, ईदी उदी दो, और ईदी देने के बाद फिर सो जाओ, और फिर खाना पीना करो, और बस ख़त्म। तो अब क्या हो सकता है, अब सारे अपने अपने घरों में बिजी हैं, तो इंशाल्लाह कल का ब्लॉग जो है वो ज़रा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल सारे मिलेंगे, तो मिलेंगे तो ज़रा शुगर लगेगा, और शुगर लगेगा तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो तब तक के लिए यार अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक सबको, दुआओं में याद रखिएगा, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रा हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।